प्लीज। आदरणीय डॉक्टर एपी माहेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, डॉक्टर सुनीता नारायण पद्मश्री, इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट, वरिष्ठ अधिकारीगण, सीईसी मेंबर्स कावा एवं वेबिनार से जुड़े अधिकारीगण, धार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्य, मैं समीर कुमार श्रीवास्तव, कमांडेंट कल्याण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्थान ने अपनी 25वीं वर्षगांठ दिनांक 22/6/2020 को एक वार्षिक गतिविधि कैलेंडर को जारी किया था, जिसके तहत माह अगस्त को वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण के संबंधित कार्यक्रम हेतु चयन किया गया था। वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण जैसे मुद्दे की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का वर्तमान एवं भविष्य उन पर निर्भर करता है। सीआरपीएफ न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, अपितु नेचर वॉरियर के रूप में भी इस देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सीआरपीएफ एज नेचर वॉरियर पर एक शॉर्ट फिल्म मैं आप सभी के अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पूर्ण भारत में सीआरपीएफ के हरे भरे कैंप्स कालांतर में किए गए वृक्षारोपण का परिणाम है। वृक्षारोपण अभियान को और तेज कर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सीआरपीएफ ने 22 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। इस अखिल भारतीय वृक्षारोपण का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा सीआरपीएफ अकादमी के प्रांगण में पीपल का वृक्ष लगाकर किया गया। सभी सुरक्षा बलों के जवानों से मेरा एक अपील है कि एक एक रूस को आप गोली में ले। सीआरपीएफ के योद्धा व उनके परिजन इस अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सीआरपीएफ देशवासियों के साथ मिलकर भी वृक्षारोपण कर रही है। कैंप्स में जल संचय एवं संरक्षण भी किया जा रहा है, जिससे वर्षा जल का सदुपयोग किया जाता है। देश के सुदूर इलाकों में ग्रामीणों के जल संचय अभियान की अगुवाई करने पर इन्हें वाटर हीरोज कहा गया है। बल के कार्मिकों ने क्लीन गंगा मिशन के तहत जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया है। कैंप से निकलने वाले कचरे का सुनियोजन कर उससे प्राकृतिक खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर बनाई जाती है। पारंपरिक विद्युत उत्पादन पर निर्भरता कम करने के लिए इको फ्रेंडली सौर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक दुष्प्रभावों के विरुद्ध सीआरपीएफ ने अपने सभी कैंप्स को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित कर दिया है। सीआरपीएफ के नेचर वॉरियर्स प्रकृति की सुरक्षा के लिए सजग और प्रतिबद्ध है। हम क्या उगाते हैं जबकि हम वृक्ष लगाते हैं? हम समुद्र पे चलने वाले मजबूत जलपोत उगाते हैं, हम हरे हरे ऊंचे शिखर उगाते हैं, हम हरे प्राणी के लिए एक आशियाना उगाते हैं, हम राजीव के लिए छाया रंग फल फूल और खुशबू उगाते हैं। हम क्या उगाते हैं जब हम वृक्ष लगाते हैं? हम दवाएं पुष्टाहार और सेहत उगाते हैं, हम जीवनदायिनी हवा और ताजगी लाते हैं, हम बादलों को बुलाने की उंगलियां और धरती की मिट्टी को मजबूत थामे रहने की प्रबल भुजाएं उगाते हैं, हम मानवीय संवेदनाओं के धरातल उगाते हैं, हम राष्ट्रीय ध्वज को फहराए रखने के लिए ऊंचे और मजबूत स्तंभ उगाते हैं, हम मातृभूमि की अपरिमित मर्यादा उपजाते हैं। इसी क्रम में मैं अब एक छोटा सा प्रेजेंटेशन सीआरपीएफ द्वारा वृक्षारोपण के ऊपर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
मैं मत्स्य पुराण के एक श्लोक से ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। दशकूप समावापी दशवापी समूहदा दशहिदा समो पुत्रो दश पुत्र समो द्युमा। अर्थात एक जलकुंड 10 कुएं के समान है, एक तालाब 10 जलकुंड के बराबर है, एक पुत्र का 10 तालाब जितना महत्व है और एक वृक्ष का 10 पुत्रों जितना महत्व है। माननीय गृह मंत्री जी ने वर्ष 2020 को मानवीय संवेदनाओं का वर्ष का आह्वान किया है। इस प्रसंग में हमने विभिन्न कार्यक्रम को अंगीकृत किया है, जिसमें वृक्षारोपण, दिव्यांगों का समर्थन, बच्चों की शिक्षा में सहयोग एवं प्रौढ़ शिक्षा में योगदान। वृक्षारोपण के ऊपर केंद्रीय पुलिस बल को 25 लाख लगाने का प्रस्तावित किया गया था और हमने पूरे 25 लाख पौधे लगा दिए हैं और टोटल 1301 हेक्टेयर भूमि में हमने ये पौधे लगाए हैं। जो पौधे जो वृक्ष हमने लगाए हैं वो बेसिकली जो कैटेगरी का था, नीम, कटहल, पीपल, अशोक, कदम, बरगद, बरगद, इमली, ये इसके अलावा भी हम लोगों ने और भी पेड़ लगाए हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने आसपास के क्षेत्र आवासीय परिसर तथा बल के अपने कैंपस में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया। वृक्षों के लगाते समय हमने ये ध्यान दिया कि कुछ वृक्ष दीर्घायु प्रवृत्ति के हों और कुछ अल्पायु प्रवृत्ति के हों। वृक्षों को उसके उपरांत देखभाल करने के लिए हमने टोलियों का भी गठन किया। गठित जो टोली थी उसकी जिम्मेदारी उसके आवंटित क्षेत्र या भूभाग में वृक्षारोपण करना, रोपित वृक्षों को पानी देना, उसके विकास और बढ़त पर निगरानी रखना तथा किसी पौधे या वृक्ष के नष्ट होने पर उसकी बदली करना, यह गठित टोलियों के हमने उनके ड्यूटी में रखा था। इसके अलावा हमने प्रत्येक कैंप में छोटी सी नर्सरी बनाई। उस नर्सरी में हमने अलग अलग प्रकार के वृक्षों की उपलब्ध कराई और जो वृक्षारोपण के दौरान जो भी हमारे पौधे नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए थे उनको नया वृक्ष अपने ही नर्सरी से लेकर लगाए गए। इसमें हमने स्थानीय लोगों का भी सहारा लिया, क्योंकि इसको अगर हमें वृक्षारोपण अभियान को अगर सघन और सफल बनाना है तो स्थानीय समुदाय का सहयोग लेना बहुत आवश्यक था और सभी स्थानीय व्यक्तियों को हमने इसकी विशेषताएं और महत्व के बारे में समझाकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की और सामुदायिक सहयोग से हमने ट्री गार्ड भी लगाया। नेक्स्ट, वृक्षारोपण अभियान से जुड़ने तथा इसके सहयोग देने वाले बच्चे एवं स्थानीय नागरिकों को मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से हमने उन्हें वृक्ष मित्र बनाया और सभी वृक्ष मित्रों को हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। इसके अलावा श्री अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान का केंद्र गुरुग्राम परिसर में एक पीपल का पेड़ लगाकर शुभारंभ भी किया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने एक बात बोली थी जो कि बहुत ही अच्छी थी कि पौधों की देखभाल तब तक करनी चाहिए जब तक वो पौधा आपके बराबर ना हो जाए, उसके पश्चात पौधा स्वयं अपनी देखभाल कर लेता है। इसके अलावा एक शौर्य वन का भी स्थापना की गई जो कि हमारे ग्रुप केंद्र गुरुग्राम में स्थापना किया गया। नेक्स्ट, शौर्य वन में सभी वीरता पदक से सम्मानित शूरवीरों के नाम पर एक एक पौधा लगाया जाना प्रस्तावित है। इस वक्त सीआरपीएफ में कुल 2036 वीरता पदक विजेता हैं और भविष्य में भी जो भी हमारा शूरवीर वीरता पदक पाएगा उनके नाम भी पौधा लगाया जाएगा। अब मैं डॉक्टर एपी महेश्वरी महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से अनुरोध करता हूं कि वह अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर एपी महेश्वरी, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य आज डॉक्टर
पद्म श्री डॉक्टर सुनीता नारायण मौजूद हैं और हम उनके विचारों से, उनके सोच से, उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। पर्यावरण एक बहुत ही वृहद मुद्दा है। हमारे पूर्वजों ने जो हम लोगों के लिए सीख छोड़ी उसमें पंच तत्वों पर महत्व दिया गया है, तो सारे पंच तत्व हैं वो अपने आप में हमारे मानवीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर बहुत जोर दिया जाता रहा है और हम लोगों ने भी वृक्षारोपण किया। सीआरपीएफ में वाटर कंजर्वेशन पे, जल संरक्षण पे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो सौर ऊर्जा और उन पे कार्रवाई हो रही है, वो भी पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल वेस्ट पे काफी काम भारत में हुआ है, जो नदियों का प्रदूषण हो रहा है उसकी रोकथाम के प्रसंग में ये महत्वपूर्ण है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, डेड एनिमल्स, जो मृत जानवर हैं उनसे जो वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट, और हाउसहोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। सीआरपीएफ ने हाउसहोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट पे काफी काम किया है अपने कैंप्स में। अब बात इको फ्रेंडली हैबिटेट की भी होती है कि किस मटेरियल से हमारे मकान बने और कम से कम उसमें पॉल्यूशन हो, कम से कम उससे हम अपने इको सिस्टम को डिस्टर्ब होने दें, वो अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो जो हम साइबर लाइफ स्टाइल के आदि होते जा रहे हैं तो काफ़ी ई वेस्ट निकलता है और ई वेस्ट के डिस्पोजल से और काफ़ी ऐसे रेडिएशंस भी उस लाइफ स्टाइल में, जिस प्रकार की प्रणाली पद्धतियां हम अपना रहे हैं, पैदा होते हैं। मोबिलिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू है। किस तरह के वाहन हो, वाहनों में भी काफ़ी अब इनोवेशन हो रहा है जिससे कि कम से कम प्रदूषण हो, कम से कम ईंधन की खपत हो, और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर्स की हम बात करते हैं ताकि किसी प्रकार की अवरोध ना हो जिससे कि पॉल्यूशन बढ़े। टाउन प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। बड़े बड़े शहरों में दो दिन बारिश होती है तो उससे काफ़ी, बिकॉज हमारा टाउन प्लानिंग ठीक नहीं है या ड्रेनेज फैसिलिटी ठीक नहीं है, उससे काफ़ी ऐसी अव्यवस्था हो जाती है जो कि प्रदूषण को प्रमोट करती है। इसी प्रकार से जो हमारी खेती है, खेती में हम क्या पद्धतियां अपनाते हैं, दिल्ली तो बहुत टाइम से पराली के चलते हुए, तो ये सब जाता है कि हम किस प्रकार से, मैं आपको केवल उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि इसका बहुत ही व्यापक स्वरूप है और अगर हम सूक्ष्म देखें तो जितने भी पंच तत्व हैं बताए गए हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, गगन, तो ये जितने भी पंच तत्व हैं उनके इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ को, हाउ वी कैन मेंटेन देयर इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ व्हिच इज कंड्यूसिव फॉर द ह्यूमन लिविंग, दैट इज ऑफ द क्रक्स। सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा और मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम आगे बढ़े और हमें जो प्रमुख वक्ता हैं हम उनके अनुभव, उन्होंने जो कार्य किया जिसके लिए कि राष्ट्र ने उन्हें सम्मानित किया, उसके बारे में हमें बताएं, हम लोग जागरूक हों। मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हम लोगों को नेचर वॉरियर्स के रूप में संबोधित किया इन सब कार्यों के चलते, तो इसके लिए फोर्स के हर एक अधिकारी और हर एक जवान इसके लिए बधाई का पात्र हैं। और ऐसे में आपका यहाँ आना और हम लोगों को संबोधित करना हम सबके लिए बहुत महत्व रखता है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। वृक्ष, हवा, धरती और जल, ये हैं हमारी जरूरतें हर पल। आज हमारे बीच में प्रतिष्ठित इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि उनके विचारों से हम सब अवश्य प्रोत्साहित होंगे। आपको मैम ये बता दें कि इस समय हमारे लगभग 50 स्टेशंस वेबिनार के थ्रू जुड़े हैं और बाकी लाखों लोग यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव से भी जुड़कर आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। अब मैं श्रीमती रिमी भाटिया, कोऑर्डिनेटर कावा द्वारा रजत जयंती लेक्चर सीरीज के तहत वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण पर विशेषज्ञ द्वारा लेक्चर का आयोजन वेबिनार के माध्यम से कराने हेतु अनुरोध करता हूँ। मैम,
Respected DG CRPF Dr. A.P. Maheshwari, keynote speaker of the day, Padam Shri Dr. Sunita Narayan, Chief Coordinator Mrs. Ritu Arora, senior officers, members of CEC, all personnel and families of CRPF. On behalf of CRPF Family Welfare Association, I, Rimi Bhatia, coordinator, extend a warm welcome to all of you. We are celebrating Kawa Silver Jubilee this year. To mark this momentous occasion, we have made an annual activity calendar focusing on various themes every month. This month's theme is tree plantation, water conservation, and protection of the environment. Honorable Prime Minister of India recently addressed CRPF as Nature Warriors. Under the dynamic leadership of DG Sir, CRPF has planted more than 25 lakh trees. In addition, our campuses across the country have taken environmental friendly initiatives like water conservation, sewage treatment, solar energy, zero tolerance for plastic, to name a few. Kawa has joined this drive and is making a meaningful contribution in this field. Today's keynote speaker is a celebrated environmentalist, Padam Shri Dr. Sunita Narayan. I would like to give a small brief introduction about her. Ma'am is the Director General of the Center for Science and Environment. She is also the editor of fortnightly magazine Down to Earth. In 2005, she was awarded with the Padam Shri, and the organization, her organization, won the Stockholm Water Prize in the same year. In 2016, she was placed in the list of Time Magazine's most influential people. In 2017, the Swedish government gave her the Order of the Polar Star Award. In 2019, Apolitical included her in the list of 100 most influential people in climate change. It is my proud privilege to welcome a person of that stature of Dr. Sunita Narayan. I'm confident that today's lecture will help build up the roadmap for environmental awareness in CRPF. Thank you, ma'am. Thank you, Rimi. Thank you, ma'am. Thank you. My request for Sunita Narayan. Jaroor. To main yahi se bolu? जी ठीक. तो पहले तो मैं डॉक्टर महेश्वरी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और पूरी जो सीआरपीएफ की का परिवार है और मैं जानती हूँ आप लोग बहुत बहुत अलग अलग जगहों से आज का लेक्चर सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके बीच में हूँ और उस चीज के ऊपर बात कर रही हूँ जो आज पूरी दुनिया की चिंता है. आपने पेड़ों का जो की जो बात करी वो एक चिन्ह है जो एक बहुत बड़ी दुनिया की चिंता है. आज जलवायु परिवर्तन के कारण अगर आप विकसित देश लें या विकासशील देश लें, कोई भी देश के अंदर आज जलवायु जलवायु परिवर्तन जिसको अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसके कारण पूरी दुनिया जानती है कि उसके सामने एक प्रलय जैसी स्थिति आ सकती है. आज हम कोविड के कारण देख रहे हैं कि बहुत बड़ा डिसरप्शन है हमारी दुनिया में. किसी ने सोचा भी नहीं था, अगर हम सब आज बैठे हैं मास्क पहन के बैठे हैं, बहुत सारे हम लोग घर पे काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई है. अगर आप जनवरी में मुझसे ये पूछते कि क्या आज दुनिया के पूरी इकोनॉमी के ऊपर इस तरह से ताला लग जाएगा, हम सब हंसते और कहते कोई संभव ही नहीं. मगर आज आप सोच लीजिए कि वो क्या, उसको अंग्रेजी में जैसे बार बार मैं कहती हूँ कि वो डीएनए भी नहीं है, वो माइक्रोब है, एक आरएनए है, एक इतना छोटा सा कि उस मगर उसने पूरी दुनिया का आज बुरी हालत कर दी. इसी तरह से अगर आप सोचें जलवायु परिवर्तन का जो आज आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर किस तरह से मॉनसून वर्षा जब आती है तो बहुत
जोरों से आती है, एक्सट्रीम रेन इवेंट होता है। कभी कभी सोचा नहीं था कि पहले जब वर्षा आती थी तो धीरे 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 होती थी, आज अगर जब वर्षा आती है तो उसके बाद बाढ़ आती है, क्योंकि वर्षा का जो एक्सट्रीम नेचर हो गया है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। आप लोग अलग अलग जगहों में हैं तो आप ये भी जानते हैं, इस साल अगर आप देखें तो साइक्लोन पहले आया हमारी बे ऑफ बंगाल के अंदर, फिर साइक्लोन आया आपका अरेबियन सी के अंदर, और वो दोनों जो साइक्लोन जो तूफान आए थे उसका जो इंटेंसिफिकेशन की बहुत ज्यादा साइक्लोन होते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इसका पूरा जो लिंकेज है वो है जलवायु परिवर्तन के कारण। अब जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है दुनिया में? इसलिए हो रहा है क्योंकि विकसित दुनिया अपने विकास के लिए उसने जो प्रदूषण पूरे पूरी दुनिया में फैलाया, उसके कारण जो हमारा आसमान है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर आज इतना प्रदूषण है कि उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज के कारण आज वैज्ञानिक बिल्कुल स्पष्ट हैं और बिल्कुल साफ तरीके से बता रहे हैं हमें कि आने वाले समय में ये चीजें बदलती जाएंगी और भी ज्यादा। हम देखेंगे कि तूफान आएंगे, बारिश जब होगी तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेचर की बारिश होगी, और अब बारिश ऐसी भी होगी कि बारिश पहले बाढ़ और उसके बाद सूखा, और ये जो पूरा एक एक सिनारियो है कि ये चीजें बदलती जा रही हैं। आपने पूरे साल में, जब साल जनवरी में शुरू हुआ था, आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, बहुत बुरी तरह से आग लगी थी, उसका कह रहे थे कि इतनी गर्मी पड़ी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इतने दिनों से गर्मी पड़ी है, और वो भी जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। आर्कटिक में आज आग लग रही है, उसका भी पूरा जो रिलेशनशिप है वो जलवायु परिवर्तन के कारण है। मगर ये भी सोचने की बात है कि जैसे जलवायु परिवर्तन का जो प्रलय है वो बढ़ता जाएगा, ये भी हमारे को भारत में ये समझना पड़ेगा कि हम करें क्या, और इसमें जो विकास करने के जो हमारे तरीके हैं इनके ऊपर हमें फिर से सोचना पड़ेगा। और इसी में जो ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करना है, तो आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर आपको जलवायु परिवर्तन का जो सबसे बुरा असर आएगा वो आएगा किसान गरीब की दुनिया में, वहां पर वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम पेड़ लगाएंगे पेड़ों का लाभ मिलेगा लोगों को, धरती बचेगी। आपने जैसे पहले अपने भाषण में जो आप बता रहे थे किस तरह से पेड़ों के कारण हम एक जंग जीत सकते हैं, एक वो और मेल की जंग है जिसको हम जीत सकते हैं, और यही एक सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने है। इसीलिए मुझे जब मैं आई आज और मैंने आपके बारे में, आपके जो कार्यक्रम है उसके बारे में सुना, और ये भी सुना कि किस तरह से आप लोग सब जुड़ रहे हैं और आप पेड़ लगाएंगे, आप ग्रीन वॉरियर बनेंगे, आप हर एक CRPF की जो फैमिली के सदस्य हैं वो ग्रीन वॉरियर बनेंगे, ये बहुत बड़ा काम है, और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत इसमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस चीज, इस पूरे मुहिम के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो मुहिम है ये एक बहुत बड़ा स्तर का मुहिम है। मैंने आपसे जलवायु परिवर्तन की बात करी, आप एक बात और सोच लीजिए कि हमारे जो शहरों के अंदर आज हम सांस नहीं ले पा रहे, ये जरूर है कि जब महीनों तक दिल्ली के अंदर हवा बिल्कुल साफ हो गई, हम सब कहने लगे कि देखिए पहली दफे हम चिड़ियों की आवाजें सुन रहे हैं, ये क्या हालत हो गई है आप सोच लीजिए समाज की, कि हमने चिड़ियों की
कि बोलने की आवाज ही भूल गई उनकी, उन ये हालत हो गई है कि हमने साफ हवा नहीं देखी, हमने एक नीला आकाश नहीं देखा इतने दिनों तक, और वो लॉकडाउन के कारण कुछ हद तक प्रदूषण का स्तर कम हुआ। मगर बार बार मैं ये कहती हूँ कि देखिए लॉकडाउन के कारण पूरी इकोनॉमी इतनी खत्म हो गई, और गरीब हमारे देश के अंदर जो हमने देखा किस तरह से जो लेबर हैं हमारे शहरों को छोड़ के उनको जाना पड़ा क्योंकि नौकरी बिल्कुल खत्म हो गई। इस तरह से हमें पर्यावरण की हम लोग नहीं बचा सकेंगे, ये कोई तरीका नहीं है जिससे हम साफ हवा ले सकेंगे। तो हमें चाहिए विकास, मगर हमें चाहिए साफ हवा भी। और यही सवाल अब आएगा जब आप विंटर की तरफ जाएंगे, सर्दियां बढ़ेंगी और उसके साथ हवा फिर ऐसी खराब हो जाएगी कि हमारे फेफड़ों के अंदर, जैसे हम सांस लेंगे हमारे फेफड़ों के अंदर, आप सोच लीजिए कि आप जहर की सांस ले रहे हैं। तो उसमें किस मेल का विकास चाहिए जिससे हम विकास भी कर सकें मगर हमारे हम सांस ले सकें, हमको साफ हवा मिल सके। और यही सवाल मुझे लगता है पर्यावरण का जो सवाल है ये इसी तरह से हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल। और ये हो सकता है, आप अगर दिल्ली का उदाहरण लें, दिल्ली के अंदर काफी साल पहले जब इस तरह से हवा दूषित हुई थी तब भी ये बात हुई थी कि कुछ करना चाहिए। उस वक्त CNG कंप्रेस नेचुरल गैस आई थी पूरे शहर के अंदर, उसके कारण जब गाड़ियां CNG पर चली प्रदूषण कम हुआ। हम लोगों ने कुछ सालों तक साफ हवा देखी, हमने आकाश में तारे देखे, मगर फिर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। आज जो इंडस्ट्री ईंधन इस्तेमाल करती है वो इतना खराब ईंधन इस्तेमाल करती है, उसके कारण प्रदूषण हो रहा है। आपने बहुत सही कहा कि जो कचरा है वो हम लोग पूरी तरह से उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, वो कचरा हम जला देते हैं, उसके कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो प्रदूषण का अगर आप समाधान देखें तो वही समाधान होगा कि आप शहरीकरण किस तरह से करेंगे जिसमें हम सबको सामूहिक ट्रांसपोर्ट के तहत लोग चल सकें, उनके पास बस हो, मेट्रो हो, साइकिल हो, सड़क पे चलने की जगह हो। आज हमने शहरों की ये हालत कर दी है कि अगर आप साइकिल से यातायात करना चाहें तो आपकी बुरी हालत होगी, अगर आप चलना चाहें और आप सड़क को क्रॉस करना चाहें तो आपकी बुरी हालत होगी, अगर आप पास की मार्केट में जाना चाहें तो आप गाड़ी लेके जाएंगी, आप चल के नहीं जाएंगी, आप बच्चों को नहीं कहेंगी कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं आप पैदल जाइए, क्योंकि सुरक्षा नहीं है। क्योंकि हमने शहर इस तरह से बनाया कि हमने अपनी सड़कें ऐसी बनाई कि हमने ये नहीं सोचा कि हमें जो कमजोर हैं, जो साइकिल चलाते हैं, जो चलते हैं, उनके लिए पहले सोचें। मगर आज सोच बदल रही है, मैं देखती हूं कि किस तरह से सरकारें सोच रही हैं कि शहर जब बनाएं, जब सड़कें बनाएं तो किस तरह से पहले पेवमेंट बनाएं, किस तरह से पहले ये सोचें कि साइकिल पे जो चलते हैं उनके लिए सुविधा हो। अगर ये होगा तो हमारी हवा भी साफ होगी, क्योंकि जिस तरह से हम आज, अगर आप दिल्ली का उदाहरण ले लें तो दिल्ली के अंदर कुछ 20-25% लोग निजी गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी से चलने वाले 15% लोग होंगे, बाकी के टू व्हीलर पे चलते हैं, 30% के करीब है। तो अभी भी 70% लोग मेट्रो, बस या पैदल या साइकिल पे चलते हैं। और अगर आने वाले समय में हम सोचें कि अगर खाली 30% लोगों के कारण
दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है तो आप 70% लोगों के लिए कहां जगह ढूंढेंगे? तो उनके लिए और हम सब के लिए अगर हम ऐसा यातायात बनाएं कि हम सब मेट्रो ले सकें, हम सब पैदल चल सकें, हम सब साइकिल पे चल सकें, तो हम एक नए शहर का एक की इंजीनियरिंग करेंगे। और यही चीज पूरी दुनिया में आज बात हो रही है। मैंने अपनी बात शुरू करी थी जलवायु परिवर्तन के साथ, उसी से मैं जोड़ना चाहूंगी इस बात को, क्योंकि अगर आप जलवायु परिवर्तन की बात करें, पूरी दुनिया ये कह रही है कि आज जो विकास के जो तरीके हैं, जिस तरह से हमने गाड़ियों पर निर्भर होके अपने शहर बनाए, वो तरीके हमें बदलने पड़ेंगे। और जब पूरी दुनिया, मगर अगर आप विकसित देशों की बात करें तो वहां अभी भी मैं समझती हूं कि वो लोग बहुत पीछे हैं हमसे, क्योंकि अभी भी वो लोग छोटे छोटे तरीके ढूंढ रहे हैं एक बहुत बड़ी समस्या के लिए। मगर हम में ताकत है कि हम ढूंढें ऐसा एक बड़ा तरीका जिसमें हम विकास भी करें और हम अपने हवा भी साफ रख सकें और पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकें कि हम विकास के साथ पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है किस तरह से हम आगे बढ़ सकें। और इसीलिए जब पर्यावरण की बात आती है, जब प्रदूषण की बात आती है, मुझे एक अब इस देश में एक बहुत ताकत दिखती है, एक ताकत, एक नई सोचने की ताकत कि हम अलग सोच सकते हैं, अलग तरीके से सोच सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग अमल भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने नदियों की बात करी, मैं नदियों की बात करना चाहती हूं क्योंकि इस चीज के ऊपर हम लोगों को बहुत दुख होना चाहिए, बहुत दुख होना चाहिए। हम एक जेनरेशन है, और मैं सब को देख रही हूं जो सब हम साथ बैठे, हम एक जेनरेशन है जिनने हमारी सबसे बड़ी विरासत, और इससे बड़ी कोई विरासत नहीं हो सकती, सबसे बड़ी विरासत वो है एक नदी की विरासत। हमने नदियों को खो दिया है, अपनी नदियों को अपने सामने खो दिया है। मैं दिल्ली की हूं, पुरानी दिल्ली से हूं। अगर आप देखिए मेरे शहर के अंदर एक नदी थी जिसको साहिबी नदी कहते थे। साहिबी नदी थी जो अरावली से निकल के यमुना में बहती थी। आज उस नदी का नाम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग बहुत दुखी होंगे। उस नदी का नाम है नजफगढ़ नाला। हमने उस नदी को नाला बना दिया और अपने जेनरेशन में बनाया है ये, साहिबी नदी को नाला बना दिया। आप में से कोई मुंबई से हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि जो दिल्ली ने कहा करा वो ही मुंबई ने करा। मिथी नदी थी, उसको अगर आप मिथी के बारे में पढ़ें तो 20 साल पहले उसको कहा जाता था नदी, आज मिथी को नाला बना दिया है। कोई लुधियाना से है तो मैं आपको बताऊं बुद्धा नाला के बारे में, आज उसको गंदा नाला कहते हैं। वो फ्रेश वाटर पिरिनियल नदी थी। ऐसी चीज जो आप आपके सोचिए, हम लोग विरासत क्या होती है? अगर विरासत वही होती है जो आपको मिली और आपने उस विरासत को खो दिया, और नदी की विरासत को खो, ये सोच लीजिए। और आज मैं यही कि मैं बार बार कहती हूं, आप लोग ये समझ लीजिए, आज यमुना है, यमुना का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल जब दिल्ली से बहती है जीरो है डीओ लेवल। अब किसी चीज का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल अगर जीरो होता है तो आप मान सकते हैं कि वो मरी हुई चीज है। दस बीस साल बाद कहीं यमुना भी नाला नहीं हो जाए,
और जो जेनरेशन आए वो कहे कि किसी दिन किसी टाइम दिल्ली के पास भी एक नदी थी, उस नदी का नाम था यमुना, आज हम इस नाला कहते हैं। उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जीरो है, उसकी हमने टेक्निकली मौत कर दी है। हाँ, ये दूसरी बात है कि उसका ऑफिशियल क्रिमेशन नहीं हुआ है अभी, मगर टेक्निकली साइंटिफिकली वो मरी हुई चीज है अभी, और वो हमारे कारण मरी है, और इसलिए भी मरी है क्योंकि आज भी, और आप ये भी सोच लीजिए, और देखिए इसमें मैं ये चीजें नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं नहीं मानती कि सरकारें इन चीजों को नकारती हैं। अगर आप देख लीजिए पिछले 20 सालों में हर सरकार की कोशिश रही है कि यमुना को फिर से जीवित करें, हर सरकार की कोशिश रही है कि हम बहुत कुछ करें जिससे गंगा यमुना कावेरी हमारी हर नदी फिर से बहे। मगर इसीलिए जो नई समझ मैंने ये बात शुरू करी है कहने के लिए कि जो सोच है समझ है उसके साथ हमें नए कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आप नदियों की बात सोचें तो पूरी दुनिया में नदी कैसे बचाई लोगों ने, अगर आप थेम्स की बात करें, आप हडसन की बात करें, किसी भी नदी को ले लीजिए, उसका इतिहास पढ़ लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो यमुना की हालत आज है वही थेम्स की हालत थी 50 साल पहले, कोई अलग नहीं है। थेम्स को साफ करने के लिए शहर बने, शहर के साथ उनने अपना जो अंडरग्राउंड सूरेज है वो बनाया, उसके साथ उसको इंटरसेप्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट पे ले गए, साफ करके नदी पे डाला, बहुत अच्छा किया, ना कुछ हद तक थेम्स साफ हो गई। अब हमने भी वही तरीके अपनाए, हमने भी पिछले बहुत सालों में जब गंगा को बचाने की बात हुई, यमुना को बचाने की बात हुई, तो हमने भी सोचा जब अगर ब्रिटेन ने यही किया तो हमें भी यही करना चाहिए। मगर एक बहुत क्रिटिकल डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हम लोगों को नकारना नहीं चाहिए, हमारी वीकनेस नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ भी बन सकती है। आज अगर आप ब्रिटेन देखें तो वहां पर पूरी तरह से शहर के अंदर अंडरग्राउंड सूरज है, हर शहरवासी के पास एक टॉयलेट है, टॉयलेट के साथ अंडरग्राउंड सूरज है, फ्लश टॉयलेट है, जो भी है उसके साथ अंडरग्राउंड सूरज है। आप हमारे देशों में देखिए, दिल्ली शहर ले लीजिए, मैं बाकी के शहरों की बात अगर करूंगी तो वो तो दिल्ली से और भी दूर है, दिल्ली शहर ले लीजिए, तो दिल्ली के अंदर कोई 40% दिल्ली शहर के अंदर ऑफिशियली कनेक्शन है अंडरग्राउंड सूरज के साथ, खाली 40%। 60% शहर के अंदर अंडरग्राउंड सूरज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और बहुत सारे हमारे देश के अंदर लोग और आज भी शहर के अंदर लोग, उनके पास ऐसी टॉयलेट की सुविधा नहीं है कि टॉयलेट हो, फ्लश टॉयलेट हो, उसके साथ एक अंडरग्राउंड आपने फ्लश किया, आपको पता भी नहीं कहां गया, जिसको मैं अंग्रेजी में कहती हूं फ्लश एंड फॉरगेट मेंटालिटी, फ्लश किया कहां गया, क्या फर्क पड़ता है, वो तो सरकार की प्रॉब्लम है, दिल्ली जल बोर्ड की प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है। मगर हमारा फ्लश टॉयलेट यमुना से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिए, हर बार फ्लश करते हैं तो आपका फ्लश यमुना में ही जाता है, मगर हमारा इसलिए जाता है क्योंकि हमारा अंडरग्राउंड सूरेज से कनेक्टेड है, बाकी के शहर के अंदर वो कनेक्शन भी नहीं। तो अब जो बात हो रही है और पूरे देश के अंदर यही हो रहा है कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी गलत थी, क्या हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हमें अफोर्डेबल सैनिटेशन सबको देना है, हमें सबको पानी देना है, हर हर शहरवासी हर देशवासी के पास पानी होना चाहिए, जल होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने ये अपनी मुहिम बनाई दी है, और उसके साथ एक टॉयलेट होना चाहिए,
मगर टॉयलेट का कनेक्शन क्या खाली अंडरग्राउंड सिस्टम से होगा? क्या एक नया तरीका हम अपना सकते हैं? और ये एक बहुत बड़ी जो एक समझ निकल के आई है इस देश से, ये एक उदाहरण बन सकती है पूरी दुनिया के लिए। जब ब्रिटेन ने अंडरग्राउंड सूरेज का कॉलेरा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो कहा कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम पानी इस्तेमाल करेंगे और उसमें निकास का पानी जो है वो पानी के साथ फ्लो में जाएगा और फिर साफ करके हम नदी में डालेंगे। आज इस देश में बात हो रही है कि पूरी देश में लोगों की जो टॉयलेट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, अंडरग्राउंड सूरज से कनेक्टेड नहीं है, वो है सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड। तो क्या आप सेप्टिक टैंक की टेक्नोलॉजी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसको साफ करें और फिर से जमीन पे डालें? आज हम कार्बन साइकिल की बात करते हैं, उसके साथ है एक नाइट्रोजन साइकिल। महेश्वरी आप जानते हैं इसको, नाइट्रोजन साइकिल वही हुआ कि आपने कुछ खाया, खाने के लिए आपने धरती से नाइट्रोजन और फास्फोरस पूछा, वो आपके खाने में है। अब उस खाने को अगर आपने अपना जो एक्सक्रीटा है उसको आपने फिर से साफ करके पानी में डाल दिया, तो नाइट्रोजन साइकिल बिल्कुल खत्म हो गई। अगर आपने उसी चीज को लेके साफ करके फिर से धरती पे डाला, आपने कंपोस्ट बनाया, आपने मैन्योर बनाया, तो आपने उस साइकिल को रिस्टोर किया। और ये पुराना तरीका होता था, अगर आप में से तो आप लोग तो अलग अलग जगहों, इस देश को तो आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं होगा, अगर आप लद्दाख में जाके देखें तो वहां पर तो पूरा तरीका था कि अगर जो पूरा मैन्योर है वो फिर से जमीन पे जाता है। गांव में भी यही एक ताकत थी कि जो मैन्योर है वो जमीन पे जाता था। अब क्या वो तरीका हम लोग मॉडर्नाइज कर सकते हैं? आज एंजाइम की बात होती है, आज पैथोजेंस को रिमूवल की बात होती है, किस तरीके से कि आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एंजाइम बना सकते हैं, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, आप फिर से जमीन पे डाल सकते हैं। अगर आप में से किसी के पास समय हो, आप कभी हमारे दफ्तर आइए तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया में, हम लोग, और वो छोटा सा अपना ही दफ्तर है, सीएससी का जो दफ्तर है, वहां पर हम पूरा अपना निकास का पानी अपने आप ट्रीट करके उस पानी को फिर से इस्तेमाल करते हैं और जो सूएज है उसको पूरी तरह से ट्रीट करते हैं। यही एक नया तरीका निकल के आ रहा है। और आज जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय है, गंगा की जो मिशन डायरेक्टरेट है, वो सब यही बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग सैनिटेशन और सूएज को ट्रीटमेंट का जो तरीका है उसको बदलेंगे तो हमारी नदियां भी साफ होंगी, वो एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन भी होगा। अगर आप शहर के अंदर उसी सूएज को कलेक्ट करके आप उसका मैन्योर बना के फिर से आप जमीन पे डाल सकें, आप देख लीजिए। मैं जानती हूं कि जब हम लोग पहले जमाने में फोन कितनी मुश्किल से मिलते थे, और हम सब जानते हैं लैंडलाइन मिलने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, और आपको कहीं ना कहीं से सिफारिश लेके जाना पड़ता था कि हमें एक फोन का कनेक्शन मिल जाए। आज आप और मेरे पास मोबाइल है, सबके पास कनेक्शन है। आज मैं सबसे बात कर रही हूँ वो भी वेबलिंक पे बात कर रही हूँ, क्यों? सैटेलाइट कनेक्शन है। हमने एक तरीका, एक नया तरीका अपनाया, लैंडलाइन से हटके आपने एक मोबाइल तरीका अपनाया जिससे आपने सबके पास आज कम्युनिकेशन का एक तरीका है, अफोर्डेबल है, फास्ट है, और हम सब कनेक्टेड है। आज ये बात हो रही है कि क्या ग्रिड कनेक्शन ही बेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि अगर आप सोलर एनर्जी लें, सूर्य ऊर्जा लें, तो क्या आप अपने घर पे जो लगाएंगे, और आपने तो किया है अलग अलग जगह, आप वो लगाइए और अपने पास जो इलेक्ट्रिसिटी है आप अपने घर में ही इस्तेमाल करिए। आपने डिसेंट्रलाइज तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन भी किया, जेनरेशन भी किया, इस्तेमाल भी किया,
और क्योंकि आप इस्तेमाल अपनी एनर्जी का करेंगे, आप ये बार बार सोचेंगे, देखिए मैं इसको ध्यान से करूं, मैं क्या लाइट कम इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं क्या इफिशियंसी बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल करनी है। यही सवाल आता है आज पानी के साथ, यही सवाल आता है आज सुइच के साथ, कि क्या आप ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे हम सब इस चीज के साथ जुड़ सकें। और यही इसीलिए जब नदियों का सवाल आता है, मुझे आज एक होप है कि अगर हम एक ये नया तरीका अपनाएंगे, हम ब्रिटेन की तरह नहीं, हम अमेरिका की तरफ नहीं देखेंगे, हम अपनी तरफ देखेंगे और सोचेंगे हमारे शहरों की क्या जरूरत है। हमारी शहरों की ये जरूरत है कि सबको आज एक टॉयलेट मिले, फंक्शनिंग टॉयलेट होना चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए और ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो उसका एक्सक्रीटा है उसको हम कलेक्ट कर सके, उसको हम ट्रीट कर सके। यही चीज आती है जहां पानी का सवाल आता है। आप अगर पानी के बारे में सोचें, और मैं थोड़ा सा अलग अलग चीजों के बारे में आप लोगों से बात करने की कोशिश आज कर रही हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डॉक्टर महेश्वरी ने जब शुरुआत करी बिल्कुल सही तरीके से मुझे एक दिशा दिखा दी कि इसको आप थोड़ा बड़ी तरीके से जो अलग अलग चीजें हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है उसके बारे में बात करें। पानी का जहां सवाल आता है, पानी का जो सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पानी को रोकने का जो एक तरीके हैं वो आप ये सोच लीजिए कि हमको हमारी परंपरा से जो सीख मिली है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। आप लोग पूरे इस देश को जानते हैं, मैं आपको उदाहरण दूंगी और मैं आपको ये भी कहूंगी कि आप इसके बारे में जब आप लोग अलग अलग जगह बेस्ड हैं, आप एक अगर एक प्रोजेक्ट ले लें कि देखें और समझें कि पहले तरीके क्या थे पानी के। अगर आप हिमालय से शुरू करें तो वहां पर एक पूरा गूल का तरीका था कि स्प्रिंग का पानी था और उसके अंदर आपने लंबी लंबी गूल बनती थी जिससे पानी का संरक्षण होके उसको आपने खेत खेत तक पहुंचाया। लद्दाख में चुरपुन का एक तरीका था क्योंकि वहां पर जब ग्लेशियर मेल्ट करता है, जिस समय में ग्लेशियर मेल्ट करता है बहुत छोटा समय, और उसको सबको पानी मिले और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पानी का, उसका मैनेजमेंट के लिए एक विलेज का एल्डर होता था जिसको चुरपुन कहते थे। हिमालय के अंदर मैंने गुल की बात करी, अब राजस्थान की बात कर लीजिए। राजस्थान में हर घर के अंदर पानी के संरक्षण का तरीका था, हर रूफ टॉप पे। आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, कहां से सीख मिली इसके बारे में? हमें मिली अपनी परंपरा से, जहां पर लोगों ने सीखा किस तरह से पानी के साथ जीना है, कम पानी के साथ जीना है, ज्यादा पानी के साथ भी कैसे जिए और कम पानी के साथ भी कैसे जिए। आप राजस्थान की बात देख लें, राजस्थान में आप जोधपुर जाएं, आप लोग गए होंगे जोधपुर, आज जोधपुर में जाएं तो वहां पर एक रानी महल, रानी सर है और फिर एक कदम सर है। क्यों? क्योंकि आपने पीछे जो, अगर आप जोधपुर का किला अपने आंखों के सामने रखें तो उसके पीछे जो पहाड़ है, पहाड़ों से जो पानी आता है वो पहले पानी आता है रानी सर में, क्योंकि अगर कभी लड़ाई हो तो वहां पर रानी सर में पानी जरूर होना चाहिए। उसका जो सीपेज है, फ्लो है, वो जाता है आपके पदम सर में, जिसमें सबके पास पानी हो, और उसका जो फ्लो है वो नीचे जाता है शहर के अंदर, जिससे हर बावड़ी में, हर स्टेप वेल के अंदर पानी है। हमने क्या किया, हमने पहले तो पहाड़ों को तबाह कर दिया क्योंकि उसमें हमने खनन किया तो पहाड़ों से पानी नहीं आ रहा है। दूसरा, हमने कहा कि हमें क्यों चाहिए जोधपुर के अंदर रानी सर, पदम सर, बावड़ी, कुएं, हम तो लाएंगे राजस्थान कनाल से पानी। आज
जोधपुर के अंदर पानी की हालत ये हो गई है कि एक तो पानी का दाम बढ़ गया है इतना, दूसरा जब वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। आज जयपुर में बाढ़ क्यों है? क्योंकि आपने अपने तालाब खत्म कर दिए, आपने जो पानी के रोकने के तरीके थे वो खत्म कर दिए। क्योंकि जो एक बूंद भी वर्षा पड़ती है, बूंद बूंद वर्षा, उसको रोकने का जो आर्ट होती है, जो एक कला होती है, और वो कला इतनी महान कला है क्योंकि हर प्रांत में एक अलग तरीका है। आप मध्य प्रदेश चले जाएं, वहां पर अलग तरीके हैं जिससे किसान पानी को रोकता है। अब बिहार चले जाएं, बिहार के अंदर बाढ़ के पानी को रोकने के तरीके हैं, क्योंकि बिहार जानता है कि बाढ़ तो आएगी, बाढ़ को आप नदी को बांध नहीं सकते, मगर बाढ़ का पानी अगर आपने ऐसा संजोया कि उसको आपने फैला दिया तो आपको बाढ़ के पानी से भी खाना मिलेगा, मगर बाढ़ के बाद आपका जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है, उसका स्तर बढ़ेगा और आपको फर्टिलिटी बढ़ेगी आपकी जमीन पे। हर आप किसी भी एरिया में चले जाएं, सबसे अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें, और मैं हम लोगों ने एक किताब निकाली थी डॉक्टर महेश्वरी 90 के दशक में, जिसको हमने डाइंग विजडम कहा था, और हर प्रांत के बारे में जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग है उसके बारे में लिखा था। उसमें जो एक फोटोग्राफ है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती, वो है रामनाथपुरम की। रामनाथपुरम के अंदर अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें तो उसके अंदर टैंक 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 दिखेगा, क्योंकि वहां पर कला थी कि हर टैंक को दूसरे टैंक से जोड़े जिससे जितना भी वर्षा का पानी हो उसको आप संजो सके। अब यही कला हमें वापस लानी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में बात करी वो है कि वर्षा ज्यादा आएगी, बेमौसम आएगी, ज्यादा आएगी। इसका मतलब हमें वही कला चाहिए कि हर बूंद वर्षा की रोकनी पड़ेगी, क्योंकि वर्षा आएगी, पानी बहेगा, उसके बाद सूखा आएगा। तो जो कला चाहिए हमें वो है वर्षा को रोकने की, अपने भूजल के स्तर को बढ़ाने की, तालाब को बचाने की, बनाने की। मगर ये भी याद रखिए, हर तालाब के साथ है उसका आगोर, उसका कैचमेंट एरिया। हर प्रांत इस देश के अंदर आगोर की पूजा करता है, क्योंकि कैचमेंट जो होता है तालाब का, वो तालाब से ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका कैचमेंट नहीं होगा तो आपका पानी नहीं बहेगा। आज हम जब तालाब बनाते हैं, हम तालाब बनाते हैं जैसे एक गड्ढा हो, मगर गड्ढा के अंदर पानी तभी आएगा जब गड्ढे के आसपास जो जंगल है, जो उसका कैचमेंट है, उसको हम उसके साथ जोड़ सकें। तो यही कला हमें फिर से लानी पड़ेगी, क्योंकि आज की जो चुनौती है वो यही है कि किस तरह से हम अपनी विरासत के साथ, अपना जो पानी, अपनी जमीन है, अपने जो जंगल हैं, उनको किस तरह से हम अपने विकास के तरीके बना सकें। अगर हम पानी नहीं रोकेंगे, हम पानी की हर बूंद को नहीं संजोएंगे, तो आप ये याद रखिए, इस देश के अंदर सूखा 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 पड़ेगा। अगर हम निकास के पानी की हम अच्छी तरह से उसको ट्रीट नहीं करेंगे, उसको रिसाइकल नहीं करेंगे, उसको फिर से पानी नहीं बनाएंगे, उसको फिर से अपने तालाब में नहीं डालेंगे, साफ करके तालाब में नहीं डालेंगे, तो एक तरफ से जो हम कोरोना के साथ जो हम बार बार बात करते हैं कि आज कोरोना के कारण डिसरप्शन हो रहा है, कोरोना का डिसरप्शन क्या है? वही डिसरप्शन है अपने स्वास्थ्य का डिसरप्शन। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा अगर गुण है वो है साफ पानी। साफ पानी नहीं होगा तो आपका स्वास्थ्य कभी भी साफ नहीं हो सकता। आज सब लोग कहते हैं कि अगर कोरोना की जंग को जीतना है तो पानी के अंदर हाथ जरूर धो,
मगर इस देश में और बहुत देशों में ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी साफ पानी नहीं है। तो वर्षा के पानी को रोकना, हर घर के अंदर वर्षा के पानी को रोकना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना और उसके साथ हमें तालाबों को जोड़ना, शहर के तालाबों को जोड़ना, निकास के पानी के बारे में सोचना और वृक्षारोपण के बारे में सोचना, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। आप एक चीज नहीं कर सकते और दूसरे को भूल सकते, आप सबको साथ लेना पड़ेगा। और इसीलिए डॉक्टर महेश्वरी, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि CRPF का जो वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा आपने मुहिम लिया है, इसके साथ अगर आप, क्योंकि आपके बहुत अलग अलग जगह आपके लोग रहते भी हैं, आपके बेसिस भी हैं, आपके आपकी जहां पर आपकी कॉलोनीज हैं, अगर उन वहां पर अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन सके जहां पर पानी, निकास का पानी, जंगल और उसके साथ तालाब, उन चीजों को अगर जोड़ के हम लोग प्लान करके आगे बढ़ सके, क्योंकि जो दुनिया है और जब पर्यावरण का सवाल आता है उसके अंदर पेड़ एक बहुत बड़ी भूमिका पेड़ों की है, मगर हमें पेड़ों की भूमिका जोड़नी पड़ेगी इन सारी चुनौतियों के साथ। ये चुनौती सबसे बड़ी जलवायु परिवर्तन की है, मगर उसके साथ हमारे देश में आज सबसे बड़ी चुनौती है विकास की, और विकास की जो चुनौती है उसके अंदर पेड़ों की जो भूमिका है सबसे बड़ी भूमिका है। अगर आप भारत का एक मैप अपने सामने रखें, उसके अंदर वो इलाके हैं, और मैं स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि CRPF पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एरियाज में। आप देखें वो इलाके हैं जहां पर हमारे जंगल सबसे ज्यादा है, वो ही इलाके हैं जहां पर हमारा पानी, हर नदी उन्हीं इलाकों से आती है। आप किस कोई भी बड़ी नदी ले लीजिए, जंगल और नदी साथ जाते, मगर आज ये भी है कि उन्हीं इलाकों में इस देश के सबसे गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। तो जब हम पेड़ों की बात करते हैं और पेड़ों की लगाने की बात करते हैं, तो हमें ये भी सवाल जोड़ना पड़ेगा कि पेड़ कैसे लगाएं और किसके लिए लगाएं। मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी जब आपने, समीर जी, जब आपने अपने प्रेजेंटेशन दिया, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी वो थी कि आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और CRPF का जो एक बहुत बड़ी भूमिका है वो यही रहेगी, मेरी जो मानना है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके लिए पेड़ एक विकास का ऑब्जेक्टिव है। अगर आप देख लीजिए, हम आज कहते हैं पेड़ काटो मत। मैं ऐसी पर्यावरणवादी हूं जो कहूंगी आपसे पेड़ जरूर काटो, घर सब पेड़ के बनने चाहिए, मगर पेड़ लगाओ। पेड़ सबसे ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स है। हम लोग समझते हैं कि पेड़ नहीं काटेंगे तो क्या, किस तरह से घर बनाएंगे, सीमेंट के बनाएंगे, एल्यूमिनियम के बनाएंगे, आयरन के बनाएंगे, वो तो सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। पेड़ एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स है जो पानी को भी रोकता है, जिसके कारण हमारी नदियां भी बहेंगी, मगर जिसकी ताकत ये भी है कि अगर पेड़ लगेंगे तो लोगों के हाथ में आमदनी आएगी, लोगों को, स्थानीय लोगों को एक विकास करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर महेश्वरी, मुझे बहुत साल हो गए, मगर जब मैंने शुरू किया था अपना पूरा पर्यावरण का काम, मैं चिपको आंदोलन देखने गई थी चमोली में, तब ये मैं 80 के दशक की बात कर रही हूँ, तब जब मैंने गांव वालों, जब मैंने औरतों से बात करी थी कि आप क्यों पेड़ों की बात करती हैं, आप क्यों पेड़ों को बचाने की बात करती हैं, आपके पास तो इतनी चीज है, आपको विकास की जरूरत है, आपके सारे मर्द पलायन कर रहे हैं, गांव के अंदर आपको सुविधाएं चाहिए, तो आपको पेड़ों के बारे में कहां से, पेड़ों की चिंता के कहां से आई।
उनने जो मुझे बात कही वो मुझे आज तक याद है कि ये पेड़ हमारा जीवन है और इन पेड़ों को लगाने के बाद हम जानते हैं कि कभी काटना पड़े, अगर किसी की शादी हो, कुछ हो, तो वो पेड़ हमारे लिए एक बैंक अकाउंट है। और ये भी एक मेरी एक और लड़ाई जो चलती रहती है वो यही चलती रहती है कि हमें पेड़ों की जो पूरी जो ताकत है वो लोगों के हाथ में देनी पड़े। आज जो बैम्बू का सवाल, मैंने बहुत मेहनत करी थी ये कह के कि बैम्बू को आप पेड़ से निकाल के एक आप ग्रास बना दीजिए। ग्रास बनाने से एक चीज बदली कि आज लोग बैम्बू लगा सकते हैं, बैम्बू काट सकते हैं, बैम्बू को बेच सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं हम लोग अपने गांव में, अपने अलग अलग जगहों में, तो मैं समझती हूँ पेड़ों की जो एक पूरी, आज हम पेड़ बचाने की बात करते हैं मगर इससे बड़ी बात ये होगी कि पेड़ हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारी वो ताकत है, हमारी जो जीवन की ताकत है और हमारे को जो विकास चाहिए वो हमें उस उन पेड़ों से मिलेगा। वो सबसे बड़ा मुझे लगता है एक सस्टेनेबिलिटी का अगर एक तरीका है वो एक तरीका निकलेगा। तो मैंने बहुत बहुत चीजों के बारे में बात कर ली मगर मुझे लगता है मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों के सामने कुछ हद तक जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, मगर जो अप्रोचेस भी हैं, क्योंकि ये अप्रोचेस सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है, मुझे अब 30 साल हो गए इस चीजों के साथ, 30 से भी ज्यादा 40 साल हो गए, और मुझे जो सबसे जो ताकत मिलती है वो मिलती है दिमाग की ताकत, एक जो करेज चाहिए हमें कि हम एक अलग तरीके से सोच सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और मैं इस देश में देख रही हूँ कि वो हो रहा है और उसी से जो आप लोग जब जुड़ रहे हैं तो आप खाली पेड़ों के मुहिम के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं कि किस तरह से इस देश में विकास होगा। और वो जो एक सवाल है उससे CRPF की जो पूरी का पूरा परिवार जब जुड़ रहा है तो मुझे लगता है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आशा है कि आपके इन विचारों को सुनकर सभी लोग वृक्षारोपण एवं जल संरक्षा की महत्ता को समझ गए होंगे। अभी क्योंकि अभी हमारे पूरे हिंदुस्तान में सभी जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं वो जुड़े हुए हैं, तो उनके मन में भी कुछ विचार होंगे जो आपसे पूछना चाहेंगे। सबको बोलता हूँ अगर जिसके किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अनम्यूट करके और मैम उसका जवाब देंगे। सबसे पहले J&K जोन का क्वेश्चन था। J&K जोन इधर इधर इधर। हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर। टेक्नोलॉजी का भी क्या पावर है। सर मेरा क्वेश्चन है, बारिश के पानी को किस प्रकार से संरक्षण कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। पाइन, आप फिर से रिपीट कीजिएगा। सर जो बारिश होती है ना, बारिश के पानी को किस प्रकार से संरक्षण कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर आप देखें तो हर घर के अंदर अगर आप वर्षा को रोकने का तरीका बनाएं, तो अगर आप जम्मू या श्रीनगर में हैं तो अगर आप या तो एक टंकी, अगर आपने अपने
हाँ छत से टंकी के अंदर आपने पानी को रखा, तो आप उस पानी को साफ करके फिर से इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर तालाब हैं, जैसे जम्मू में तो है ही, श्रीनगर में भी हैं, तो उनके अंदर जो वर्षा का पानी है उनके अंदर तो वर्षा का पानी संजोया जाता ही है। मगर सबसे बड़ी चीज जो हम सब कर सकते हैं वो है कि अपने घर के अंदर वर्षा का पानी को रोकने का तरीका बनाएं, हर घर के अंदर। और ये अगर पानी को हम रोकें, हम लोग या तो उसको भूजल में डालें जिससे भूजल का स्तर ऊपर जाए, या आप टंकी में डालें और टंकी के अंदर जो वर्षा का पानी है उसको या तो आप अपनी छत साफ रखें जिससे जो वर्षा का पानी टंकी में जाता है बिल्कुल साफ हो, या अगर आपकी छत साफ नहीं है और अगर आपका पानी साफ नहीं है तो फिर पानी को साफ करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। जीसी सिलीगुड़ी का भी एक प्रश्न था। जीसी सिलीगुड़ी, जीसी सिलीगुड़ी आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जीसी ग्रेटर नोएडा, सर जीसी गुवाहाटी का भी है सर। जीसी गुवाहाटी आप अपना क्वेश्चन पूछे। मैडम बोलिए, बैठ 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 बोलिए। गुड इवनिंग मैडम, हमारा ग्रुप भी गुवाहाटी पहाड़ों में बसा हुआ है, वहाँ जल जमाव के लिए छोटे छोटे तालाब किए गए हैं, और कोई सुझाव मैडम? जल जमाव के लिए कोई और सुझाव मैडम? क्वेश्चन है कि जीसी गुवाहाटी पहाड़ों के बीच में है, तो उसमें जल को जमाव करने के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं? अगर आप गुवाहाटी देखें तो गुवाहाटी के अंदर तो बहुत तालाब हैं, और इसीलिए तालाब बनाए गुवाहाटी के अंदर क्योंकि पहाड़ के बीच में है गुवाहाटी। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं भी पिछले साल जब आई थी गुवाहाटी, तो थोड़ी भी वर्षा होती है तो गुवाहाटी बिल्कुल ही उसके अंदर बाढ़ आ जाती है। हमारे हर शहर के अंदर वही हालत। तो गुवाहाटी में भी एक ही तरीका है, जो आपके पुराने तालाब हैं उनको बचाइए। मगर सबसे प्रॉब्लम जो गुवाहाटी में आ रही है, जब मैं पिछली बार थी तो बहुत इसके ऊपर चर्चा भी हुई, सरकार इस चीज को लेके बहुत चिंतित भी है, कोशिश भी कर रही है काम करने के लिए, मगर जो गुवाहाटी के जो जो पहाड़ हैं जिसके बारे में आपने बात करी, उन पहाड़ों के अंदर बहुत आबादी आ गई। तो पहाड़ों के अंदर किस तरह से पानी को अच्छी तरह से रोक सकें, उसका उसके अंदर वृक्षारोपण कर सकें जिससे पानी का कटाव कम हो, बहाव जो पानी का होता है, फ्लो जो पानी का होता है वो धीरे धीरे हो, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मगर गुवाहाटी के अंदर एक ही तरीका हो सकता है कि जो तालाब हैं, जो पुराने तालाब हैं उनको बचाया जाए और नए तालाब बनाए जाए। आज जब हम शहरों की बात करते हैं तो खाली जमीन की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं, मॉल की बात करते हैं, मगर हमें उसी तरह से तालाबों की बात करनी पड़ेगी और तालाबों के बचाने की बात करनी पड़ेगी। इसी न्यू दिल्ली का भी एक क्वेश्चन था। इसी न्यू दिल्ली, जीसी न्यू दिल्ली, जीसी ग्रेटर नोएडा, इसके अलावा किसी को और किसी का क्वेश्चन पूछ सकता है? सर जीसी गुवाहाटी से जी बोलिए।
थैंक यू मैम वेरी मच. वी थैंक्स अ लॉट फॉर योर सिंपल लेक्चर. ट्रूथ इज एज सिंपल एज योर लेक्चर इज. मैं हमेशा ये बोलता हूँ हमारा गुवाहाटी ग्रुप सेंटर में कि कोरोना में लास्ट स्टेज में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ता है, लेकिन भगवान ने ये पेड़ों को ऐसे नेचुरल वेंटिलेटर करके आदिकाल से रखा है तो कोई नहीं जानता है. ट्रीज आर द रियल नेचुरल वेंटिलेटर विच इज सस्टेनिंग द होल एनिमल बर्ड एंड मैन किंगडम इन वर्ल्ड. तो आपका ये लेक्चर हमारा लोगों को बड़ा सादगी दिया है. हम आपसे काफी इंस्पायरेशन मिला है हमको और हम उम्मीद करते हैं कि डीजी साहब का ये जो अनोखा तरीके से सबको संदेश भेजना ये साकार हो और सीआरपी बाहर से जितना भी जनताओं के साथ मिले पेड़ पौधों लगाने के बारे में बताएं. और जो हमारा गृह मंत्री जी बताए कि एक पौधे लगाना बच्चों से 10 गुना ज्यादा है, ये सही है. और ये जो नेचुरल वेंटिलेटर अगर सभी लोगों का पास चला जाएगा तो कोरोना एनवायरनमेंट जो पैंडेमिक है ये पृथ्वी को भी बचाया जा सकता है अगर लोग इसी दिशा में काम करें. आपको अनेक अनेक धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. इसके अलावा किसी और का क्वेश्चन है? Yeah, I was thinking, since you are based in Delhi, we have three group centers out here. One is in Jharada Kala, and one is in Noida, and one is in Gurgaon. Ahead of Gurgaon is Kadarpur. We have been making different efforts. The way we learn, we do. Of course. But that's not a holistic approach. Would it be possible that you take one of the group centers and let us know how the whole habitat can be made very eco-friendly and how this talab system or abawi system and interconnection, whatever concepts you have spoken, all this we are doing. Now, frankly speaking, what happens that whenever a building is made, now the authorities say you take these clearances. So we take clearances for the sake of taking clearances. Let's admit that. Many, bilkul, all of us. But we are not optimizing on what all we are providing for. So will it be possible that we take you to one of the group centers, wherever, and we won't disturb you much, but you come intermittently, guide us, and let's convert one group center where we can say, okay, this is the CRPF group center, which is a combination of all these methodologies. And how the whole campuses can be an ideal, because these are the campuses of about 300 acres. नहीं बिल्कुल मॉडल acres. मैं डॉक्टर महेश्वरी, वन अदर थिंग, वी हैव बिल्ट अ न्यू कैंपस एंड आई वुड लव टू टेक यू देयर बिकॉज़ आई कैन सी योर पैशन इन ऑल दिस. वी हैव बिल्ट अ कैंपस आई थिंक जस्ट बियॉन्ड. आपका कैंपस इज भोंसी? नो, आपका भोंसी में है. भोंसी में पास इट एवरी टाइम. सो आज इज बियॉन्ड दैट. It is in, actually it's near, it's in Rajasthan, Tijara. Okay, but we pass it on that Sona road. Firozpur Jhirka se agar aap jayen, to vahaan par. From Sona? Sona se it takes us 1 hour. 1 hour. 1 hour to Sona, 1 hour from there. Huh? And we have just built a campus and you will love it. हमने वहाँ सब कुछ जो मेरे मन की जो सारी you know होती है वो सब हमने वहाँ try करी है. तो we have built a it's a big campus, so we have built a training campus there. So we have a large residential facility for about 100 people to stay, plus academic space. So हमने जैसे आपने green buildings की बात करी, I didn't talk about it, but you have to see the way we have practiced it, and it is amazing how insulated those buildings are. And again, वही जो पुराने you know doing the chajjas, doing double walls. Then we have done rainwater harvesting there. We treat our own sewage there in that campus. We of course do composting there. So I would love aapke, I would love to show it to anyone that you would depute. No, we will come. I will myself. And then we will also organize for that, you know, take up one area with someone who you maybe the Bonsi one, because I know that is a big one. That's close to it. It's that's a big close one.
And I can ask my colleagues to do a proper plan looking at all the different integrations there and then coming up. But it will be nice for your colleagues and for you to see what we have, how we are practicing this, because walking the talk is very important. Interesting. I'll confirm you the date. In fact, I will myself come in by all of the offices, whoever is willing. And aajkal lockdown ke karan, there's a little, the campus is closed, but we can go and see. This thing is so important. In fact, I was earlier in Bureau of Police Research and Development. So we were also looking into police buildings. Of course. And we had a national level seminar. And there were so many speakers. I mean, the gist was that you go back 250 years, that's it. Go back to 250 years, you find answers to all your problems. So, in fact, the person who made a presentation, he had studied all the forts of Rajasthan, how the water conservation and how this, he was talking of solar chimney, he was talking of those double wall, and the energy consumption, he had built a building in Chandigarh itself. I've seen that building. I know which one you mean. I have seen that building. Brought it down to 30%. Yes, we've also brought it down. Built. So the whole concept is interesting. And if you start practicing it, look at the footprint. I love that word, bootprint. Aapne jo istemal kiya, it's a very nice word. It's a very, very good word. Green bootprint. And aap logon ka kitna bada bootprint ho sakta hai. I mean, ek building nahi, across the country, it would be phenomenal. Faujiyon ke saath ye hota hai, hum sab jo fauji hain, agar aap hume ek model karke de dengi, to hum copy acche se kar denge. I am telling you ki aap ek campus mein, because hum kya kar rahe hain ki abhi jo whatever we are doing in isolation. A part of water harvesting, a part of solar, a part of We all do that. One is holistically done, then we learn about it, and that one campus. Okay, it may differ from, as you said, Rajasthan will have a different thing, but then the basic philosophy will remain the same. That may be okay, instead of talab, it may take shape of a bowri, it may take shape of something else. And do you have an engineering core like that? Yeah, we have an engineering core. So we could work with the engineering core train them, because they would be the best then, you know, to multiply the idea across. Excellent. We have an engineering core also, and the general GD officers also. Oh, incidentally, we have about more than 500 engineers who are doing the general work, because everybody comes to services from different backgrounds. So in that also we'll look towards people who are more interested in this type of work. So we'll have a couple of officers, a team. Already engineering core is there, but then we'll have more of experts from the organization. No, we'll definitely work with you. I'd be delighted we would work with you, because I can see the, you know, and agar aap, once you do it, then it becomes a model for others to follow. It becomes a model for others, And that would be very good. As its own demonstration. Yeah, absolutely. Absolutely. No, I'd love to. We'll all love to. अब मैं श्रीमती रितु अरोड़ा मैम से आग्रह करूंगा कि वो आज के अतिथि डॉक्टर सुनीता नारायण को मोमेंटो देके उन्हें सम्मानित करें, और मैं श्रीमती तनुजा भंडारी और श्रीमती रिमी भाटिया मैम से भी आग्रह करूंगा कि उनका साथ दें। I'll request all CC members to kindly accompany. Very much, Pari. Thank you. I was very happy. Thank you. अब मैं डॉक्टर एपी महेश्वरी महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से आग्रह करूंगा कि वह पद्मश्री डॉक्टर सुनीता नारायण को सीआरपीएफ का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें।
no, no, no. आदरणीय डॉक्टर एपी महेश्वरी महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पद्मश्री डॉक्टर सुनीता नारायण इंडियन एनवायरमेंट पुलिस्ट, सीसी मेंबर कावा, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं वेबिनार से जुड़े अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों का मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में ये आशा करता हूँ कि जो पर्यावरण के वित्त के जो विचार थे उनसे आप सुन के सभी लोग काफी सजग और उदार हुए होंगे और आने वाली पीढ़ी को भी आप सजग करेंगे। इसी के साथ मैं सभी को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। और अभी मैं सभी को आग्रह करता हूं कि वो फ्लोर पे एक छोटा सा स्वल्पाहार के लिए सर ज्वाइन करें। थैंक यू।